वैसे तो नेताओं के जन्मदिन पर शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि शोर शराबे में डूबे उत्साही कार्यकर्ता डीजे की धुन पर झूम करते खुद ही नेताजी के जन्मदिन का फायदा उठाते हैं। लेकिन दिग्रस शहर के कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के कार्यालय तथा पूर्व मंत्री शिवाजी राव मेघे के जन्मदिन के मौके पर अपनी सादगी का परिचय देते हुए अपना सामाजिक दायित्व निभाया है। यवतमाल जिले के दिग्रस ग्रामीण अस्पताल में शिवाजी राव मोघे इनके जन्मदिन के अवसर पर फल वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय मोघे की प्रमुख उपस्थिति में ग्रामीण अस्पताल में उपचार ले रहे मरीजों को फल वितरण कर एक सराहनीय पहल को अंजाम दिया गया। इस मौके पर दिग्रस शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान ग्रामीण अस्पताल के मरीजों, गर्भवती महिलाओं को फलों से भरी बैग का वितरण किया गया। ज्येष्ठ नेते व आज समाजा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवाजीराव मोघे साहब यांच्या वाढदिवसानिमित्त दिग्रस तालुका कांग्रेस कमिटीतर्फे ग्रामीण रुग्णालय दिग्रस येथे फलवाटपाचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे। त्यानिमित्ताने आम्हा दिग्रस वाशियातर्फे आदरणीय मोघे साहेब यांना दीर्घायुष्य मिळो ही आमच्या काँग्रेस कमिटीतर्फे शुभेच्छा देतो। प्रथम इस मौके पर ग्रामीण अस्पताल के मरीजों ने भी कांग्रेस पदाधिकारियों के माध्यम से शिवाजी राव मोघे को जन्मदिन की शुभेच्छा पहुंचाई है। इस फल वितरण कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय मोघे के साथ ही दिग्रस तहसील कांग्रेस अध्यक्ष शंकर जाधव, शहर अध्यक्ष दिनेश सुकोड़े, जिला सर चिटनेस राजेंद्र सिंह चौहान, जिला उपाध्यक्ष अरबाज धारीवाला, गणेश रोकड़े, एडवोकेट सुधाकर जाधव, पंचायत समिति सदस्य सुलोचना कामले, सलीम पटेल, इस्तेखार खान, मकसूद सर, सलीम खान, लाल सिंह जाधव, सोहेल शेख, फैजल पटेल, मोहम्मद पप्पू वाले, रज्जाक भाई, मोहम्मद नागपुरे, मुरलीधर कामले सहित कार्यकर्तागण प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इन बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।